हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन, माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज के इस वीडियो में अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज जो 1C है, क्वेश्चन 8 to 10। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशन नंबर ओवर एडिशन टू सिंप्लीफाई। अब देखिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है उसको आपको क्या करना है, यूज़ करना है। अब सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या होती है। ए बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। अगर ये है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस ए बाय बी इंटू ई बाय एफ। कुछ ऐसे हम इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में, और आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में। तो ठीक है, अब इसको करते हैं कन्वर्ट। सबसे पहले यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 7/4 इंटू 5/8 प्लस 7/4 इंटू 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 5 = 35, 4 × 8 = 32, 7 × 1 = 7, 2 × 4 = 8। अब यहाँ पर देखिए 32 और 8, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 32। अगेन जब 32 से 32 को डिवाइड करेंगे 1, न्यूमरेटर है 35, मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 8 से जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास कोशेंट आएगा 4, न्यूमरेटर है आपके पास 7, 7 × 4, 35 × 1 = 35, 7 × 4 = 28 डिवाइड बाई 32। तो 35 + 28 आ गया आपका 63/32 इज़ योर आंसर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 63/32। तो स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बैक करके देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखें, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, -3/8 इंटू 4/7 प्लस -11/7। अब यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए क्या हो जाएगा, -3/8 इंटू 4/7 -11/7 इंटू -3/8। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, -3 × 1 - 3, 2 × 7 = 14। अगेन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व नहीं होगा, तो -×- +11 × 3 = 33, 7 × 8 = 56। अब फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर हम बात करें एलसीएम की तो 14 और 56, इसका एलसीएम क्या होता है, 56 ही होता है। तो एलसीएम लिखेंगे, फिर 14 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा 4, न्यूमरेटर है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे -3 × 4, प्लस 56 से जब 56 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1, आपका जो न्यूमरेटर है वो 33 × 1। -3 × 4 आ गया आपका -12, प्लस 33 × 1 हो गया 33। अब 33 − 12 आ गया आपके पास 21/56। इसको फर्दर कट कर लेते हैं, देखिए कट करेंगे 7 के टेबल से, 7 × 3 = 21, 7 × 8 = 56। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3/8। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। आपका जो 8th है उसका थर्ड पार्ट है। अगेन देखिए 25 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/1। तो -2/5 इंटू 3/8 -25 इंटू -2/5। अब यहाँ से देखिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 5 × 5, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो -1 × 3 -3, 5 × 4 = 20, -5 × -2, तो ये आ गया आपका -10। तो -×- क्या हो गया, प्लस का हो गया, और फाइनली जो आपके पास आया क्या, -3/20 प्लस 10/1। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, 20 और 1 का एलसीएम होता है आपका 20, 20 को लिखेंगे डिनोमीटर में, इस 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1, -3 × 1, प्लस जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 20, 10 × 20, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है आपका 10 है।
तो 10 × 20 हो गया 200, माइनस 3 का माइनस 3 पड़ा है, तो 200 में से जब हम माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 197 डिवाइड बाई 20। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इट इज रेसिप्रोकल ऑफ। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए वो नंबर है ए, इस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/a, क्योंकि हम इसको सपोज कर सकते हैं 1/a, तो 1/a का इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उस नंबर को पलट देना, उलट देना, तो ये क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके चलें, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, देखिए जब भी किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल बात करूँ 6 की, 6 का जो है इनवर्स, अगर मैं बात करूँ 6 को मैं लिख सकता हूँ 6/1, इसका अगर रेसिप्रोकल या इनवर्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1/6। तो देखिए 6/1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करूँगा तो ये कटने पर आपके पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो अब 1 आ जाएगा, तो 1 क्या, इसे हम 1 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जो 0 होता है ये आपकी क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर की थी। नेक्स्ट देखिए -23, वही चीज़ इसको हम क्या सपोज कर सकते हैं 23/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/-23। नेक्स्ट देखिए 11/20, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 20/11। उसके बाद देखिए -19/16, तो ये हो जाएगा 16/-19। 11/-5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/11। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, अगर अपने बात करें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपके पास नंबर क्या आएगा 7/8, और 7/8 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 8/7। अब देखिए इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, फाइनली आपके पास नंबर आया 3/2, एंड 3/2 की अगर अपने बात करें रेसिप्रोकल की तो ये क्या हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो 0 × किसी भी नंबर को अगर अपने 0 करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 0, और 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैच द मैथमेटिकल सेंटेंस इन अ कॉलम ए विद प्रॉपर्टी इलस्ट्रेटेड बाय द स्टेटमेंट इन कॉलम बी। सिंपली आपको करना क्या है, जो कॉलम ए के अंदर कोई भी आपको सेंटेंस दे रखे हैं प्रॉपर्टी से आपको मैच कराना है। अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1/3 × 0 तो क्या हो जाता है 0। अगर अपने किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है 0 आने वाला है, मतलब ऑप्शन सी प्रॉपर्टी ऑफ 0, सी के लिए हम आगे लिख देते हैं 1। सेकंड की बात करें, -2/5 × 1 इज इक्वल टू -2/5, मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वही सेम नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी हो गई ए, और यहाँ कर क्या हो गया लिख देंगे हम 2। थर्ड देखिए 1/4 × 4, तो यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया, इज इक्वल टू आ गया 1, तो ये आपकी क्या आ गई, ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑप्शन ई, और यहाँ पर हम लिख देंगे 3। नेक्स्ट देखिए -6/7 × 2/3 = -4/5, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी क्या है, ये प्रॉपर्टी है क्लोजर। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों हुई, देखिए कोई भी दो रेशनल नंबर अगर अपने उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो भी एक क्या होता है रेशनल नंबर होता है, तो -4/5 भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये प्रॉपर्टी कौन सी है क्लोजर प्रॉपर्टी है। और फाइनली आपका क्वेश्चन ये जो 5 बचा है 5 के लिए डी ही होगा, और इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्यों है, तो देखिए ये क्या है 0। ठीक है, आपको देखिए आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है
ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन पी कैन बी इक्वल टू जीरो, पी जीरो हो सकता है, ठीक है. तो ये दोनों के दोनों क्या है, रेशनल नंबर हैं. तो देखिए क्या है, ए बाई बी इंटू सी बाई डी कैन बी रिटर्न एज सी बाई डी इंटू ए बाई बी. तो ऐसे अभी इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, तो यहाँ इसीलिए एक आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी डी. तो स्टूडेंट इसी के साथ आपके क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे बच्चे भी क्वेश्चन करेंगे. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बिना हिचकिचाट के आप लिख सकते हैं.